हेलो एवरीवन, निक्षी किचन एंड व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी खोया की मिठाई कैसे बनाएं। जी हाँ, ये इतनी आसान रेसिपी है ना, आप इसे देख के बनाए बिना रह नहीं पाओगे। और इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें भी नहीं लगती है, बस खोया लो और थोड़े ड्राई फ्रूट और बन गई मिठाई। तो इसे किस तरह बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको वीडियो में पूरी बताती हूँ। इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने मावा लिया है खोया 300 ग्राम, और इसके साथ ही लिए हैं हमने ड्राई फ्रूट, यहाँ सब कट करके रख लिए हैं। और ये लिए हैं पीसी हुई चीनी, और फिर इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो देखना आपने, सिर्फ बनाने के लिए इतनी ही चीज़ें लगेंगी, ना ज़्यादा कोई तामझाम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, खोया को इस तरह से कट करेंगे, इसके छोटे छोटे पनीर जैसे पीसेस कट कर लेंगे। और ये इतना सॉफ्ट होता है ना, इसके अच्छे से टुकड़े हो जाते हैं। तो बस हमें इसी तरह से करके कट कर लेना है। ऐसा दिख रहा है कि जैसा हम सच में पनीर कट कर रहे हैं, और देखिए ये इतने अच्छे से कट हो जा रहे हैं। पर हम बना रहे हैं मावा की मिठाई, तो देखिए सब कट करके तैयार है। तो इधर हमने गैस पे पैन रख दिए हैं, इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। घी को पहले अच्छा सा मेल्ट होने देंगे, पैन भी अच्छा गर्म हो जाएगा और घी भी इसमें अच्छा घुल जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोए के पीसेस। तो इन पीसेस को हम क्या करेंगे, इसे पहले अच्छा सा घोलने देंगे। हम इसके लिए बड़ा सा चम्मच ले लेंगे, और इससे हम इसे मिक्स करते करते ऐसे मिलाते जाएंगे, ये पूरा एक जैसा अच्छे से मिक्स होगा। जब खोया को ऐसे पकाते हैं ना, तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो देखिए इसी तरह से हमें भी ऐसे मिक्स करते रहना है, और इसे पूरा मिक्स करते हुए चलाते रहना है ताकि ये देखिए इस तरह से उसका पेस्ट बन जाए। वैसे खोया की मिठाई आसान है और जल्दी भी बन जाती है, और चाहे कोई भी फेस्टिवल हो उस पर आप आसानी से बना सकते हैं, ईद हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो। तो ये मिठाई इंस्टेंट बन जाती है और सबको अच्छी भी लगती है। खोया मिठाई आखिर किसको नहीं पसंद। और ये देखिए खोया अच्छे से पिघल गया है। खोया ना थोड़ा गीला ही रहता है, इसमें पानी भी थोड़ा रहता ही है, तो हमें इसका पानी भी सुखाना है, तब ये जाके थोड़ा ठीक होगा। और हमें इसी तरह से उसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो देखा ना आपने, खोया भी अच्छे से पक रहा है। अब इस टाइम हम ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी, इसमें 2-3 चम्मच डाल दें। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो इसमें और डाल सकते हैं, हमें थोड़ा मीडियम ही अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने 3 चम्मच ही डाली है। अगर आपको और मीठा पसंद है तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, घी भी साइड से छूटा हुआ दिख रहा है, मतलब खोया अच्छा पक रहा है। तो आपको भी इसी तरह से पकाना है, साइड से भी थोड़ा स्क्रिप कर ले ताकि ये पूरा एक जैसा मिल जाए और इसका टेस्ट भी एक जैसा रहे। और जब खोया इस तरह से पकाया जाता है ना, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, और देखिए इसे भी डाल के हम मिक्स कर ले रहे हैं। और जब हम खोया को पकने के लिए पैन में डालते हैं तो ये ऐसे ही पतला रहता है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि अरे ये तो पतला सा हो रहा है, पर ये ऐसा ही बन के अच्छे से ठीक होता है। बस हमें इसी तरह से उसे मिलाते रहना है। और जो ये साइड में भी लगा हुआ दिख रहा है ना, तो इसे भी चम्मच से निकाल के पूरा एक जैसा मिलाना है ताकि इसका टेस्ट एक जैसा रहे और इसकी मिठाई भी बहुत अच्छी बनेगी। तो बस इस टाइम में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू बादाम जो हमने कट करके लिए थे, तो बस वो डाल दिए, इसमें थोड़े से ही डालेंगे। और फिर बाद में हम जब पेड़े तैयार हो जाएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सजा लेंगे। तो बस हमने देखिए इतना डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मुझे ना ये पकाने में इसे 8-10 मिनट का वक्त तो लगा ही है। और ये देखिए अब ये थोड़ा सा थिक दिख रहा है, हाँ बस देखिए हमें इसी तरह से बनाना है ताकि ये पैन से छूट जाए। जैसा हमने पहले बताया था कि इसका घी छूट रहा है, तो बस हमें ऐसा ही तैयार करना है।
तो अब हमने गैस बंद कर दिया है और इसे एक बड़ी थाल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जी हाँ, हम इसे एक थाल में डाल देंगे और इसे अच्छा सा डाल के सेट कर ले, ताकि आपको जब भी जो शेप में काटना है या फिर उसे पेड़ा जैसा बनाना है, पर हम यहाँ पेड़े बनाएंगे, तो मैंने इसी तरह से गोल रख दिया है और ये इसमें अच्छा सा ड्राई हो जाएगा। तो हमें इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। हमें इसे जब डालना है तो घी लगा के डालें, ताकि ये अच्छे से निकल जाए। तो बस ये देखिए, यहाँ अच्छा सा बन गया है, अच्छा सा ड्राई हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। इसे ना ठंडा होने में बस 5 मिनट ही लगा है, ये फैन की हवा में अच्छा सा ठंडा हो जाता है। तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपको पेड़े बनाने से पहले क्या करना है, हाथों को अच्छा सा घी लगा लेना है और हम इसके छोटे छोटे पेड़े लेते जाएंगे और इस तरह से उसे गोल शेप देके उसका पेड़ा बना लेंगे। खोया इतना ताज़ा है ना, तो पेड़ा बनने में थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। तो आपको बस करना क्या है, अगर पेड़ा ना बने तो इसे थोड़ी और हवा में रहने दे, फिर आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये पेड़ा अच्छे से बन गया है और इसमें रख दिया है मैंने पिस्ता और इसके ऊपर डाली है मैंने केसर। तो ये देखिए, पेड़ा कितना अच्छा बना हुआ दिख रहा है। अब हम इसे प्लेट में रख देंगे और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पेड़ा लेके इसके पेड़े बनाते जाएंगे। तो देखा ना आपने, कितना आसान है खोया की मिठाई बनाना। बस खोया लेना है और उसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट भी नहीं डालना है और हमारी इंस्टेंट मिठाई बन के तैयार हो जाती है। और आप अगर इसमें थोड़ा और ज़्यादा घी डालेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी अच्छी रहती है। ये पेड़े 1 हफ्ते तक अच्छे से चल जाता है। चाहे मेहमान आए हों या हो कोई त्यौहार, तो बस बनाइए ये खोए का पेड़ा। और ये पेड़ा भी इतना अच्छा बनता है ना, कि मुंह में डालते ही घुल जाता है, इतना सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, हमारे यहाँ सारे खोए के पेड़े बनके तैयार हैं। इसमें मैंने लगाए हैं बादाम और हमने पहले वाले पेड़े में लगाए थे पिस्ता और केसर। तो ये देखिए, दोनों भी पेड़े बनके तैयार हैं। तो बस खाइए और इन्जॉय कीजिए और हमारी रेसिपी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।